भारतीय बाजार में जैसा कि फेस्टिवल सीजन आ ही चुका है और इस दिवाली के मौके पर एक के बाद एक शानदार कारों की लॉन्चिंग होने वाली है। वहीं देश की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी भी जल्दी भारतीय बाजार में अपने रीडिजाइन मॉडल के साथ एंट्री लेने वाली है। आप लोगों ने सही सुना, भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी का बोलबाला है। ये कंपनी अपने बजट सेगमेंट में अपने मिडिल क्लास भाइयों की कम दामों में जबरदस्त कारें लॉन्च करती है और आज के टाइम में स्मार्ट लोगों के साथ स्मार्ट जमाने को देखते हुए मारुति सुजुकी की सबसे पॉपुलर मल्टी व्हीकल वैन कार यानी इको को भी बिल्कुल नए अवतार और नए लुक के साथ लाया जा रहा है। मार्केट में इको एक ऐसा विकल्प है जिसको कमर्शियल से लेकर पर्सनल यूज में लिया जाता है। ये कार भारतीय बाजार में अपने ही अंदाज में सबसे ज्यादा खरीदी और बेची जाती है। आज के जमाने में 7-सीटर कारों को पीछे छोड़ के निकल रही आगे इको अब एक बार फिर से नए अंदाज में दिखाई दे रही है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते और जान लेते हैं कि भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2023 इको के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है। तो सबसे बड़े बदलाव की बात कर ली जाए तो इको मार्केट में पूरी तरीके से बदल चुकी है। आगे कार इस वैन कार को नया आकार मिल चुका है। इको मार्केट में काफी ज्यादा बेची जाती है और इस कार को कमर्शियल से लेकर पर्सनल यूज में लिया जाता है। भारत में इस कार को कमर्शियल रूप में बच्चों को छोड़ने से इधर उधर सामान पहुंचाने तक कई मामलों में देखा जाता है, मगर फाइनली इको को पूरी तरीके से स्मार्ट जमाने के साथ स्मार्ट लोगों के लिए तैयार किया गया है। यानी इस कार को पर्सनल यूज में अपनी फैमिली के लिए भी लिया जा सकता है। भारत में सबसे खास बात की आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2023 इको को मार्केट में एक 5-सीटर और एक 8-सीटर मोड ऑप्शन में लाया जाएगा। यानी कम बजट भाइयों के लिए, छोटी फैमिली के लिए इको 5-सीटर छोटे टाइनी रूप में भी आने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2023 इको के लुक और डिजाइन के बारे में जो कि मार्केट में तहलका मचा रही है। तो मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको के लुक की चर्चा काफी लंबे समय से थी। इस कार को ऑटो एक्सपो के दौरान भी प्रदर्शित किया गया था। वीडियो में अपनी नेक्स्ट जनरेशन 2023 इको को साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये कितनी बदल चुकी है। फ्रंट से देखे तो इस कार को एक एमपीवी वाला लुक मिल चुका है और ये कार किसी भी एमपीवी कार से कम नहीं है। भारत में इको के फ्रंट पे आपको फॉग लैंप नहीं बल्कि एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप देखने को मिल जाता है। डे टाइम रनिंग लाइट्स के कॉम्बिनेशन और खास तरीके की न्यू डिजाइन वाली ग्रिल का इस्तेमाल इको जैसी सेगमेंट की कार में किया गया है, जो कि इको को वाकई में ही फुल साइज एमपीवी वाला फील दे देता है। साथ ही साथ इको में आपको एक स्पोर्टी लुक वाला बेहतरीन बम्पर भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको फॉग लैंप की प्रणाली भी दिखाई दी जाती है। इको ओवरऑल लुक के मामले में बड़ी नजर आ रही है। पुराने मॉडल के मुकाबले कार में स्पेसिबल डिजाइन और बेहतरीन लेआउट पे जैसी भी डिजाइन की गई ये कार वाकई में ही खूबसूरत नजर आ रही है। साइड प्रोफाइल से गौर किया जाए तो देख पा रहे हैं कि इको अपने पुराने मॉडल के मुकाबले बड़े टायर्स के साथ नजर आ रही है, क्योंकि इस कार में 17 इंच के बड़े टायर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको स्टाइलिश स्मार्ट अलॉय व्हील ऑप्शन भी देखने को कंपनी फिटेड मिल जाते हैं। और साथ ही साथ इको के अब स्लाइडिंग डोर को कार से हटाया जा चुका है, यानी इको अब पूरे एमपीवी अंदाज में नॉर्मल गेट्स के साथ नजर आ रही है, जिससे आपको एमपीवी वाला फील पूरी तरीके से इस कार में आने वाला है। ग्राउंड क्लीयरेंस पे गौर किया जाए तो इको ऊंची भी नजर आ रही है, क्योंकि इस कार को पथरीले रास्तों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र और किसी भी तंग रस्तों पर दौड़ाया जा सकता है। यानी इको स्मार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ इको को मार्केट में न्यू हैंडल बार और दोनों साइड विंग्स और एक्शन कैमरे की प्रणाली के साथ भी लाया जा रहा है, जो कि इको को और भी ज्यादा खास बना देता है। तो देख लिया ना भाइयों, आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको अपने लुक के मामले में तो हर किसी का दिल जीत चुकी है। तभी तो इस कार को मार्केट में काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इको के लुक को ही पूरा चेंज कर डाला है। भारतीय बाजार में 5-6 लाख रुपए के सेगमेंट में आने वाली एमपीवी कारों की छुट्टी करने के लिए हमारे बजट सेगमेंट में इको पूरी तरीके से तैयार लॉन्च के लिए हो चुकी है। यानी इस दिवाली के मौके पर अपने लिए एक 7-सीटर बड़ी फैमिली के लिए कार लेने का सपना जरूर से पूरा आपका इस वीडियो को देखने के बाद होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात कर ली जाए आखिरकार नेक्स्ट जनरेशन 2023 इको में कौन से इंजन का इस्तेमाल किया गया। इको के अंदर एक खास इंजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया है। आने वाली इको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ पूरी तरीके से स्मार्ट हो चुकी है। इस कार में आप सभी को पहली बार 1.3 लीटर का 4 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस पेट्रोल विकल्प ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि भारतीय बाजार में भारत के सड़कों को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है, जिसके चलते इको भारतीय बाजार में आपको 92 bhp की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 130 nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगी। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको में इतना ही नहीं, आपको 5 स्पीड EMT 5 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन मिल जाते हैं। माइलेज की बात कर ली जाए तो आप सभी को पता है कि मारुति सुजुकी की कारें सबसे ज्यादा माइलेज देती है, क्योंकि इस
कारों को फ्यूल एफिशिएंट डिजाइन दिया जाता है और साथ ही साथ इको फ्रेंडली वाला लुक भी दिया जाता है। तो आने वाली इको का माइलेज प्रति लीटर में 31 से लेकर 32 के आसपास बताया जा रहा है। जितना कार बाहर से खूबसूरत और इतने दमदार इंजन ऑप्शन के साथ आपके लिए लाई जा रही है, उतना ही कार के अंदर फीचर्स की भरमार भी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आज के टाइम में स्मार्ट फीचर्स भी होना जरूरी है। भारत में इको के अंदर आपको 10 से ज्यादा कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी फीचर्स वो भी 5 लाख रुपए के बजट सेगमेंट में मिलने वाले हैं। तो है ना कमाल की बात। तो चलिए फिर अब गौर करें इस कार के इंटीरियर और फीचर्स के बारे में। तो वीडियो में अपने साफ साफ देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन इको के डैशबोर्ड को ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन के अपडेट के साथ लेदर का टचअप भी दिया गया है, जो कि काफी हद तक आपको प्रीमियम बनाने के साथ कार को भी प्रीमियम बनाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो इको के अंदर आपको दोनों साइड ऑटोमेटिक एसी वेंट्स और अब पीछे बैठने वालों के लिए भी हवा खाने के लिए ऑटोमेटिक एसी वेंट्स की संचालित सुविधा दी गई है, जो कि स्मार्ट इस कार को बना देती है। साथ ही साथ इको में आपको 1.2 इंच का छोटा सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पैनल ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ आपके लिए और कार में सभी बैठने वालों के लिए एक बड़ा 10 इंच का नहीं बल्कि एक 8 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो से लेकर एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, यूवीआई कनेक्टिविटी कंट्रोल और वॉइस कमांड रिकॉग्निशन सिस्टम जैसे बेहतरीन फंक्शंस को सपोर्ट करता है, जो कि अपने आप में ही कार को स्मार्ट बनाते हैं। इको के ये तो हो गई कुछ खास फीचर्स की बात। अब इस कार में नॉर्मल सीट्स नहीं बल्कि आपके कंफर्ट के लिए इस कार में अपोल सीट्स का सेक्शन देखने को मिल जाता है। ये वही सीटें हैं जो कि भारतीय बाजार में 6 से 7 लाख रुपए वाली कारों में देखने को आपको मिलती है। इन सीटों के कारण आप अपनी कार में लॉन्ग ड्राइव हो या फिर शॉर्ट ड्राइव हो या फिर पथरीले रास्तों वाले उबड़ खाबड़ ऑफ राइडिंग वाले रास्तों को आप इंजॉय कर सके। इन सीटों की खास बात है कि आप एक ही बटन दबा के अपनी सीटों को ऑपरेट कर सकते हैं। इको की सीटों को 14 तरीके से एक्सेस किया जा सकता है और पीछे वाली सीटों को तीसरी लाइनअप में अपडेट किया जा सकता है और ना यूज होने पे अपनी इको को कमर्शियल रूप में भी बदला जा सकता है। तो आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि अपने कार में सुरक्षित रहे और बिल्ड क्वालिटी के चलते हर कोई कंपनियां अपने कारों पे स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। एआई का जमाना है जिसके चलते हर कोई कार में आपको एआई सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसी को देखते हुए मारुति सुजुकी भी अपने स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सेकेंड जनरेशन हाई टेक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कारों के लिए कर चुकी है, जिसपे आपको नए नए मॉडल्स भारतीय सड़कों पर अभी देखने को मिल रही है। उसी प्लेटफॉर्म पे बनाई गई इको को भी 90% तक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। है ना कमाल की बात। स्टार्टिंग कीमत इस कार की 2.30 लाख रुपए एक्स-शोरूम प्राइस होने वाली है, यानी हैचबैक के दामों में आपको मार्केट में 8 सीटर कार देखने को मिल रही है। तो देरी किस बात की, अगर आप भी इको को सबसे पहले ग्राहक बन के अपने घर ले जाना चाहते हैं और इस फेस्टिवल सीजन के दौरान अपनी फैमिली को अपने कार में घुमाना चाहते हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों के अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।